सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एस एम पेट्स व्लॉग। तो आज आपको मेरी फेस पे स्माइल दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि हमारा जो ड्रोगो है आज इसने वोमिट सुबह से तो नहीं करी है, बाकी हम देखते हैं अभी इसे फीडिंग करा के कि ये फीडिंग के बाद भी वोमिट ना करे, उसे डाइजेस्ट कर जाए। और हमारा ये जो शैतान बच्चा है ना स्नोई, और स्नोई आज जा रहा है, आधे घंटे में भैया आने वाले हैं, तो उनका वेट कर रहा हूँ। वैसे मैं इसके साथ खेल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कि जितना भी टाइम इसके साथ स्पेंड हो पाए, फिर उसके बाद तो ये चला जाएगा। तो कहाँ घुस गया जाके, ये ना लिली को मारने जा रहा है, बस यही वजह है, ये लिली को भी नहीं छोड़ता, तो मैं इसलिए इसे दे रहा हूँ वापस। तो गाइस मैं इसके साथ बहुत देर से खेल रहा था, हमारा इसमें भी प्यारा प्यारा बच्चा जा रहा है घर, नया घर अपने, देखो दोनों जा रहा है। वैसे तो मैं मकाओ से दूर रख रहा हूँ, क्योंकि मकाओ हमारा इन्फेक्शन में, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ये देखो छोटू कॉकुटून बच्चा ये जा रहा है। मैंगो टोटो से सबसे मिलवा देता हूँ, मैंगो यहाँ बैठ गया स्नोई के शार्प नेल है बहुत ज़्यादा। मैंगो जा रहा है, स्नोई अब नहीं मारेगा, देखो कैसे गुस्से में देख रहा है सबको। लिली से मिलवा लेते हैं, लिली आ जा मेरा बच्चा, आ जा। देखो स्नोई से इतना डरती नहीं है, स्नोई के चक्कर में मेरे पास भी नहीं आ रही। लिली स्नोई जा रहा है हमारा, स्नोई गुड बाय कर दो स्नोई को, जाओ। देखो भाग गई, ये मारती है स्नोई, इकलौती यही वजह है कि इसकी मेरी, देखो देखो घुस गई उसके पास, इकलौती गाइस यही वजह थी स्नोई को ना रखने की, क्योंकि ये सभी बर्ड्स छोड़ो मेरे डॉग को भी मारती है, तो इसलिए अब ये अपने नए घर जा रही है। स्नोई के दिन बहुत याद आएंगे, एक फुदकती फिरती थी ऐसे। आप चिंता मत करो गाइस, हम बहुत ही जल्दी एक नया कॉकटू ले लेंगे, उसका आप नाम रखना कुछ अच्छा सा। अभी स्नोई तो चला जाएगा, हाँ आ जा आई। तो गाइज हमने स्नोई को कर दिया इसमें वन टोकरी के अंदर, बास्केट के अंदर। अभी ये जा रही है स्नोई हमारी, और मैं इसको देने जा रहा हूँ, भैया आ गए बाहर, भैया को वीडियो मिल नहीं लूँगा मैं, उन्होंने मना किया है। तो ये आखिरी गया हमारा स्नोई का, बाय बाय स्नोई, अच्छे से रहना, हाँ भोगे मत कुत्ते की तरह भोगती है, अच्छे से रहना ठीक है, लड़ना नहीं किसी से। तो गाइज मैं इसे भैया को दे के आता हूँ। तो गाइज मैं अभी देखो ड्रोगो दिखाती हूँ, इसने फिर से उल्टी करी है येरी, और इसको हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर हैरी के पास में, और जल्दी से चलते हैं। मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कभी उल्टियाँ कर रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। आई डो इसका गाइस वेट ना बहुत ही कम हो गया है, मैं जल्दी चलता हूँ डॉक्टर हैरी के पास, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं डॉक्टर हैरी के पास, और यहाँ तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर वापस। आप ये देख सकते हो मेरे कपड़े, ये और ये चारों तरफ, ये ड्रोगो ने वॉमिट की है वहाँ पर। और सच बताऊँ ना, डॉक्टर हैरी के यहाँ जाने के बाद कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे शूट करूँ। वहाँ से आते में मैंने कुछ शूट नहीं किया, ये बैठा ड्रोगो। गाइज हमारे ड्रोगो की ना तबीयत बहुत ख़राब है, लिटरली पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब जो पहले थी उससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है। ड्रोगो का वेट 1100 ग्राम्स था, अभी 650 ग्राम्स रह गया है सिर्फ, लगभग 500 ग्राम्स ड्रोगो लूज कर चुका है। गाइज आप प्रे करो कि हमारा ड्रोगो ठीक हो जाए, ब्लॉग भी छोटा ही रखूँगा मैं, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं आते आते इसको ट्रीटमेंट दे, दवाई वगैरह जो भी है, पानी वगैरह दे रहा हूँ। मैं आज का ब्लॉग भी खत्म करता हूँ, नई वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और गाइस इसको प्लीज़ के लिए प्रे करिएगा कि हमारा ड्रोगो ठीक हो जाए।